हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर x की वैल्यूज़ जो दी होती हैं इक्वली स्पेस्ड ना हो, तो हम जिन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं वो है लेग्रांजेस फार्मूला और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इस तरह की वैल्यूज़ इक्वली स्पेस्ड नहीं होती हैं जो हमें x गिवन होता है, जैसे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, तो ये इक्वली स्पेस्ड है जो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला में हमने देखा था। अब इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स में एक्स की ये वैल्यूज़ नेसेसरीली इक्वली स्पेस्ड होना ज़रूरी नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको एक वैल्यू 1, दूसरी 3, तीसरी 4, यानी कि इक्वल स्पेसिंग के बिना वैल्यूज़ गिवन है, तो हम ये वाली मेथड्स यूज़ करते हैं। लेग्रांजेस के फॉर्मूले में इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है, तो उसे इन्वर्स इंटरपोलेशन के नाम से जाना जाता है। अभी हम y की वैल्यू किसी गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए फाइंड करते हैं, लेकिन इन्वर्स में x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ y। लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, टेक्स द वैल्यूज y0, y1, y2 अप टू yn करस्पॉन्डिंग टू x0, x1, x2 अप टू xn विच आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। जैसा मैंने अभी आपको डिफाइन किया, उस तरह से अगर वैल्यूज गिवन है तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, हम जिस फॉर्मूले से लिख सकते हैं वो ये फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय जो हमने छोड़ा था, एक्स जीरो को छोड़ दिया था, यहाँ एक्स जीरो से लेके एक्स एन तक वैल्यूज हैं, तो हमने एक्स जीरो को छोड़ा है यहाँ पे, तो सारे यही रहेंगे लेकिन ये जो एक्स लिखा उसके प्लेस पे एक्स जीरो हो जाएगा। तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू अप टू एक्स जीरो माइनस xn और मल्टीप्लाइड विद फंक्शन ऑफ x0 मतलब कि y0 प्लस अगले स्टेप में x माइनस x0 आ जाएगा, पर x माइनस x1 वाला टर्म छोड़ देंगे, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn जाएगा, और चूंकि हमने x1 छोड़ा है तो नीचे जितने भी हैं वो इस प्लेस पे x1 होते हुए लिखे जाएंगे, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn और इनटू में फंक्शन ऑफ x1 दैट इज y1 रहेगा। यहाँ पर जो x1 लिखा हुआ है, अगर हम x1 माइनस x1 लिखते तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये मिस्टेक ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे और इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। लास्ट स्टेप में हमने xn को छोड़ दिया है इसलिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन yn आ गया है। लेग्रांजेस का इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला है जिसमें x या फिर फंक्शन ऑफ y को हम फाइंड आउट करते हैं फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ y। जो फार्मूला हमने अभी लिखा उसमें सेम फार्मूला ये है, केवल x और y की पोजीशंस रिप्लेस हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x आ गया है y के प्लेस पे और राइट हैंड साइड पे x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन इस तरह से ना होके y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई एन हो गया है। यहाँ पर y जीरो था जो हमने x जीरो कर दिया है। सिमिलर मैनर में पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है बाय रिप्लेसिंग x एंड y। अब मैं लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, गिवन द वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है 5, 7, 11, 13, 17 और उसके करस्पॉन्डिंग ये वाई की वैल्यूज गिवन है। इन्हें हम नेमिंग कर लेते हैं, हमें इवेल्युएट करना है फंक्शन ऑफ 9।
y is function of x, ये हमें understood रहता है, y के या फिर function of x के terms में question पूछा जा सकता है. तो function of 9, यहाँ पे जो 9 लिखा है, इसका meaning है, x की value 9 पे, उसके corresponding value of y, हमें यहाँ पे find करनी है, जो 7 और 11 के बीच में कहीं lie करेगा 9, और उसके corresponding value for y, हमें find out करनी रहेगी. अब यहाँ पे नोटेशंस हम कंसीडर कर लेंगे कि ये x नॉट, x1, x2, x3 एंड x4 हैं. इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं y की वो y नॉट, y1, y2, y3 एंड y4 हैं. लैग्रांजेस फॉर्मूला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है. 5 से 7 में 2 का डिफरेंस है, जबकि 7 से 11 में 4 का डिफरेंस है. इसी तरह से बाकी की भी वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये अनइक्वली स्पेस्ड इंटरवल गिवन है आपको यहाँ पे. तो या तो लैग्रांजेस से होगा या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस से होगा. जिस नाम से बोल दिया गया उसे हम ले लेंगे. लैग्रांजेस से बोला है इसलिए लैग्रांजेस को यूज कर रहे हैं. यहाँ पे लैग्रांजेस जो फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन तक. हमारे पास एक्स एन जो एन की वैल्यू है मैक्सिमम वो 4 जा रही है, एक्स जीरो से लेके एक्स फोर तक. तो हम इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे. एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर डिवाइडेड बाय, अब जिसे हमने छोड़ा है एक्स जीरो को छोड़ा है, तो एक्स जीरो माइनस यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, एक्स जीरो माइनस एक्स फोर. अब जो एक्स जीरो है इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वाई की, दैट इज वाई जीरो, वो यहाँ पे आ जाएगी. देन आप प्लस करेंगे. अब एक्स वन छोड़ना है, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, वन को छोड़ दिया, एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स फोर, फोर फाइनल वैल्यू लास्ट तक आ गए. अब इसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोड़ी थी एक्स वन माइनस यही सारे नोटेशंस, एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स फोर इंटू एक्स वन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 एंड सो ऑन. इसी तरह से हम कंटिन्यू कर लेंगे. x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, अब यहाँ पे x2 छोड़ देंगे, x माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर डिवाइडेड बाय, x2 को छोड़ा था इसलिए x2 माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, एक्स टू माइनस एक्स फोर. टोटल फोर फोर टर्म्स आ रही हैं, सभी में फोर फोर टर्म्स आएंगी और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी y2. नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी सिमिलर मैनर में y3 आएगा और y4 आ जाएगा. बस y4 पे स्टॉप कर देना है. लास्ट हमारी वैल्यू जो रहेगी वो y4 वाली रहेगी. अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है. सो x यहाँ पे गिवन है, x9 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है. बाकी की वैल्यूज भी नोन वैल्यूज हैं. एक्स की वैल्यूज जो हैं, एक्स जीरो इज
फाइव ऊपर टेबल में मैंने आपको शो कर ही दिया था, एक्स वन इज सेवन, एक्स टू इज इलेवन, एक्स थ्री इज थर्टीन, एक्स फोर इज सेवेंटीन। और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वाई की, उसमें पहला है वाई जीरो एंड वाई जीरो इज 150, वाई वन इज 392, वाई टू इज 1452, वाई थ्री इज 2366 एंड वाई फोर इज 5202। ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर और सिंप्लीफाई करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x माइनस एक्स वन है तो 9 माइनस एक्स वन की वैल्यू ले लेंगे 7। देन x में से ही सभी को सब्ट्रैक्ट होना है तो 9 माइनस 11, 9 माइनस नेक्स्ट वैल्यू 13, 9 माइनस 17। अब डिवाइडेड बाय x, जीरो की वैल्यू है 5, तो दिखने में ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें 9 को रिप्लेस कर देंगे सभी जगह पे 5 से, बाकी पूरा एज इट इज आ जाएगा। एक बार हम ध्यान से लिख लेंगे और उसके बाद सबको 5 माइनस करते हुए लिख लेंगे। देन 150 है तो मल्टीप्लाइड बाय 150, ये वाई जीरो की वैल्यू है, प्लस अब ये एक्सप्रेशन इसी तरह से लिखे जाएंगे आगे के भी सब में, न्यूमरेटर में 9 माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में जिस भी वैल्यू को हमने छोड़ा है उसमें से माइनस सेम वैल्यूज आएंगी। और एक्सप्रेशन इसके ऑब्वियसली लेंदी एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला भी लेंदी है, बट कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 9, क्योंकि सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं और इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली ये जो रिजल्ट देता है वो 810 है, ये इसका आंसर होगा। हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें 7 से 11 के बीच में 9 आता है, यहाँ कहीं 9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है 810। तो आप ये देखिए, ये 392 है, ये 1452 है और 9 11 के काफ़ी नियर है। इन दोनों के बीच का ही कोई वैल्यू हमारी आंसर में आनी है। 810 इन दोनों के बीच में लाए कर रहा है, यानी हमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है और 810 इस इंटरवल में लाए कर रहा है, यही इसका एग्जैक्ट रिजल्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लैग्रांजेस मेथड से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।